धारवाड़ से लेकर हुबली तक ज्यादा होता है। यहाँ रात में चलने पर सेल भी कट जाता है। दोस्तों नंदुर्ग मार्केट क्रॉस करके घाट पे यही चढ़ रहा हूँ। इतना रद्द होते एग्जाम्पल देख लो, ये बेचारा छह चक्के आयसर वाला घुस रहा है। ये गेट से जैसे अंदर घुसा, उस्ताद लोग खाना बनाए थे तो बुलाए, तो इधर आया तो बोले कि किधर जा रहे हो। मैं बोला खाना बनाने, तो बोले बैठो अकेले हो। मैं बोला हाँ अकेले हूँ। बोले कि खाना है खा लो। मैं बोला ठीक है। तो दोस्तों चल रहे हैं खाना खाने के लिए, ये उस्ताद लोग बनाए थे। चलो चलो खा लो कोई। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अब सुबह को बज गए 7:30 और हम उसी होटल पे हैं दोस्तों, जिस होटल पे रात को पहुँच के और सोया था उसी होटल पे हूँ दोस्तों। अभी नहीं निकला हूँ दोस्तों, क्योंकि आज तो मैं शाम को पहुँचता तो खाली नहीं होता, इसलिए थोड़ा सो गया और थोड़ा तकलीफ था, पेट दर्द कर रहा था, उल्टी हुआ था, तो इसीलिए दोस्तों निकला नहीं था। अभी तो बरस वरस हो गया दोस्तों, चलते रखते इसको गाड़ी में और चल के फिर चाय एक मारते हैं, फिर निकलते हैं। और दोस्तों थोड़ा आराम है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ है। दवा रखा था, वही दवा खाया हूँ, अभी सही है। बुखार का रखा था, उल्टी का नहीं था, तो वही खाया हूँ, पैरासीटामोल। चल के दोस्तों बर्फ को रखते हैं गाड़ी में, फिर चल के इधर चाय पीते हैं। तुम्हारा 10 रुपया हो ना दोस्तों, चाय का पैसा दे दिया हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर निकलते हैं गाड़ी को, चलते हैं आगे। आज तो खाली नहीं होगा, खाली होगा तो दोस्तों कल ही। ये रहा दोस्तों होटल का व्यू। सुबह के टाइम हमारा एक दोस्त है जो कि विकास ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चला रहा है, वो सुबह के टाइम फ़ोन लगाया, बोला भाई मेरे साथ कांड हो गया। मैं बोला क्या कांड हुआ भाई? बोला यार मैं नील बंगला पार करके जब नाइस रोड पे चढ़ने वाला था, उसके पहले मारुति वाले लग गए थे पीछे, और नाइस रोड पे जैसे चढ़ा वैसे ही आगे गाड़ी ला के खड़ा कर दिए, बोले साइड में लगा। बोला भाई साइड में लगाए, वैसे ही टपाटप वो लोग आके गाड़ी में चढ़ गए। मैं बोला दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। बोला किया था लेकिन पता नहीं क्या लिए थे वो लोग, कांच पे मारने लगे थे, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया कि खोलना ही पड़ेगा। तो भाई बोला खोला, जैसे ही वो लोग अंदर चढ़ गए पैसा मांगने लगे। मैंने बोला किस चीज़ का पैसा? तो वो लोग बोले पैसा दे बस, और किस चीज़ का ये मत पूछ। बोला भाई, मैं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो लोग पूरा सीट उट उलट के देखने लगे, जो बना रहा था ड्राइवर और आवर सब में देखने लगे इसके पास है कि नहीं है। तो भाई वो लोग पाए नहीं, तो वो लोग हमको मारने दौड़े, एक तमाचा मारे भी मेरे को। तो भाई बोला मोबाइल भी ले लिए, तो उनसे बोला भाई मारो मत, मेरे पास पैसे हैं कुछ। बोले निकाल, कहा था भाई मेरे पास 2600 रुपये थे और पैसा मैं निकाला था 5000 रुपया मुंबई में, तो खर्चा करते करते मेरे पास वही बचा था। तो वो लोग पैसा ले लिए, मोबाइल भी ले लिए, मोबाइल मांगने लगा तो वो लोग देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तो मैं बोला तब सब, बोला भाई लास्ट में वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करने पर तब वो लोग दिए, जब मैं रोने लगा था तब। मैं बोला यार अब सुन के बहुत तकलीफ हुई भाई, अब बता क्या करूं। बोला भाई बता, ऐसे ऐसे होता हो गया। तो दोस्तों ये बेंगलोर में ये नील बंगला वाला साइड ऐसा होता है, और ये निपानी से लेकर हुबली तक और ज़्यादा करके धारवाड़ से लेकर हुबली तक ज़्यादा होता है। यहाँ रात में चलने पर सेल भी कट जाता है, और बंदे खड़े रहते हैं जैसे कि वो कैटेगरी वाइज खड़े रहते हैं।
एक बंदा यहाँ आपको कांच पे मारेगा किसी चीज से, उसके बाद में 500 मीटर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में दूसरा बंदा खड़ा रहेगा कि आगे चल के रोकेगा, वहाँ इसको पकड़ लेगा। ऐसे कैटेगरी वाइज खड़ा करके खड़े रहते वो लोग, पत्थर भी मारते हैं, अंडा भी मारते हैं, जो कि अंडा मारने पर अगर वाइपर पर मार दिए और बंदा गलती से वाइपर चला दिया तो पूरा वाइट वाइट हो जाता, दिखाई नहीं देता, तो बंदे को रोकना पड़ता है, उसी में कांड हो जाता है। और भाई जब वो मेरा दोस्त बोला, मेरे को बहुत तकलीफ हुआ यार, बोल रहा मैं घर पे पैसा देने के लिए रखा था कि घर पे डाल दूंगा 6-7 हज़ार रुपया, लेकिन मेरे पास भाई और पैसे ही खर्चे घट गए, पता मैं घर पे कैसे दूँ। मैं बोला यार अब क्या बोलूँ, तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भाई साहब ऐसा कर रहे हैं, अगर उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचती है या ये वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई साहब मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, भाई हम लोगों की भी जिंदगी जिंदगी है यार, हम लोग भी आजाद की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन रातों दिन एक करना पड़ता है, अपने फैमिली की करना पड़ता है कि हम तकलीफ में हैं तो हमारी फैमिली हमारे परिवार सुख में रहे। एक आदमी तकलीफ में रहेगा तो 4 आदमी सुख में रहेंगे, ये सोच के हम लोग रातों दिन एक करते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से हम लोगों को इतना तकलीफ सहना पड़ता है। अब सोचो उस बंदे के साथ ऐसा कांड हुआ है, उसके जबान से क्या निकला हुआ होगा, गाली तो छोड़ दो, गाली तो सब दे देते हैं, लेकिन उसके मुंह से हाय निकला होगा। भाई साहब हाय किसी का नहीं लेना चाहिए, अक्सर करके ड्राइवरों का ये हाय बहुत बुरी चीज़ होती है। भाई साहब जो तुम कर्म करोगे ना, ये दुनिया में ही भुगत के जाना पड़ेगा, कुत्ते की मौत मरोगे भाई साहब, हकीकत बता रहा हूँ। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान मत करो, ठीक है, एक अगर ना दे सको तो उसका चमड़ी तोड़ने की कोशिश मत करो, लेकिन आप लोग भीख भी नहीं देते, उसकी चमड़ी भी तोड़ देते हो, तो ऐसा काम मत करो भाई साहब। सबकी जिंदगी जिंदगी है, ठीक है, और सबके अंदर गर्मी रहता है, जिस देश में तुम रहते हो उसी देश में हम भी रहते हैं, जो चीज़ तुम खाते हो वही चीज़ हम भी खाते हैं, तो तुम्हारे अंदर गर्मी, हमारे अंदर पानी कैसे है, हमारे अंदर पानी नहीं है, हमारे अंदर भी वही गर्मी है, लेकिन हम मजबूर होते हैं भाई साहब। और जब आज़ाद रहे ना, गाड़ी घोड़ा ना रहे, सब मिल के देखो तब पता चलेगा हाँ कितना पानी में कौन है। तो यही कहना चाहूँगा भाई साहब कि दूसरों को तकलीफ मत दो। और दोस्तों मैं तुलजापुर पार कर दिया हूँ, चल रहा हूँ बाईपास पे, आगे एक फ्लाई ओवर मिलेगा, फ्लाई ओवर से हमें लेफ्ट मार के सीधा जाएंगे तो नलदुर्ग निकलेगा, नलदुर्ग से लेफ्ट मार के जाना पड़ेगा हैदराबाद। दोस्तों नलदुर्ग मार्केट क्रॉस करके घाट पे यही चढ़ रहा हूँ, जाम लगने लगा भाई, चलते हैं दोस्तों यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर होटल है, उसी होटल पे चल के ठंडा वंडा पीते फिर निकलते हैं, बहुत हैवी चढ़ान है। होटल पे पहुंच चुके हैं, होटल ये रहा दोस्तों, कौन सा होटल है, हरियाणा मेवात बिस्मिल्लाह होटल, इसी होटल पे दोस्तों कैश लेना है। इस होटल पे कैसे परिचय हुआ था दोस्तों, जब इस कंपनी में मैं शुरू आया था TCL में, तो रईस भाई से परिचय हुआ था, तो रईस भाई मेवात के हैं, तो इसी होटल पे वो बराबर रोकते हैं, तो कैश वैश जो होता है इधर से लेते हैं, इसलिए हमें पता है। और दोस्तों चल के गिरीश मरवाते हैं, पता करते हैं। ओ भाई साहब गिरीश क्या रुपया है, 10 चक्के का, 10 चक्का है, 100 रुपया ले ले यार, मार दे अच्छे से मारना भाई। दोस्तों इस होटल पे इसी के लिए रोकता हूँ, बड़े मस्त बंदा है। गया था दोस्तों होटल पे, पर्स भूल गया था, तो ये पर्स लेने आया था, चल के पर्स दोस्तों चलते हैं होटल पे, ठंडा वंडा पी के फिर निकलते हैं, है कि नहीं। हाँ, पैसे ले।
दोस्तों होटल पे गया था, ठंडा वंडा पी के आया हूँ गाड़ी में, उसके बाद में घर से फोन आया, बात कर रहा था, बात करते करते सो गया और अब जाके नींद खुली दोस्तों, 2:30 बज गया क्योंकि गाड़ी के अंदर केबिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इसीलिए नींद खुल गया दोस्तों। और ग्रीस दोस्तों जब बंदा मार रहा था तभी मैं पैसा दे दिया था, ग्रीस मार के हो गया, ये रहा दोस्तों ये सब मार दिया बराबर, अच्छी तरह से ग्रीस मारा है दोस्तों, कोई ख़राब नहीं मारा है। चल के दोस्तों ठंडा पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और आगे चल के कहीं खाना वाना बनाएंगे, काफ़ी ठंडा है। चेस करो चेस। मुल्ला जी भाई उसको कोको कोला को कोक बोल रहे हैं। सीधा दोस्तों फिर यहाँ से निकलते हैं, समय भी हो रहा है दोस्तों, ठंडा पी के तो चला है, अब निकल रहे हैं दोस्तों। ये जो ग्रीस मार रहा है बंदा, एक ड्राइवर को इतना बोल रहा था कि क्या बताएं, क्योंकि जब मेरे गाड़ी में एक ग्रीस मार रहा था तो ये पाइप जो है सीधा खींच के लेकर गया था मेरे गाड़ी के पास, तो एक ड्राइवर जो है हाथ दे रहा, एक जो ड्राइवर है गाड़ी लेकर निकला और इसके पाइप पे चढ़ा दिया, पाइप फट गया, हवा निकलने लगा, तो वही चिल्लाने लगा कि ड्राइवर चूतिया होते हैं, नहीं दिखाई देता, लेकर चले गया, मेरा नुकसान कर दिया। और सही बात है, देखना चाहिए बंदे को, अगर गाड़ी कहीं से निकाल लें तो देखना चाहिए कि आगे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अब इस बेचारे का पाइप का नुकसान हो गया, पता नहीं कितने का आता है कितने का नहीं आता हमको नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन इसका बेचारे का नुकसान हो गया। तो चलते हैं दोस्तों आगे कहीं रोकेंगे, इतना रद्द होते एग्जाम्पल देख लो, ये बेचारा छः चक्के आयसर वाला घुस रहा है, ये जबरदस्ती से बस वाला घुस गया, उसको साइड में कर दिया, ऐसे एक्सीडेंट होता है। जब ये घुस रहा है वो जबरदस्ती कर रहा है और लेफ्ट साइड से बेचारा कितना देख के चलेगा अगर बंदा नहीं होगा, लेकिन ये बस वाले देखो ट्रैक्टर वाले को देखो साइड में, और सामने से गाड़ी है, देखो कांच में, देखो कांच में साइड गिलास देखो, जब पास नहीं हो पा रहे तो ससुर लाइट जला रहे हैं, हद है यार। इनसे अच्छा तो जानवर है, जानवर एक कतार में चलते हैं, लेकिन ये जानवरों से भी बुरे। चलते हैं दोस्तों, बॉर्डर पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र। शाम के 5 बज गए और मैं महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर दिया हूँ। महाराष्ट्र बॉर्डर रहा ये दोस्तों, ये इधर अपनी धन्नो लगी है, चल के चाय पीते हैं, चाय ले लिया हूँ दोस्तों सामने वाली दुकान से इधर से, और ये रहा चाय पी लिया हूँ दोस्तों, मीठा लेना मीठा ले लेते हैं दो ये, और फिर चलते हैं यहाँ से। अब इसके आगे 15-20 किलोमीटर की दूरी पे लग जाएगा अपना कर्नाटका, मतलब बॉर्डर आ जाएगा कर्नाटका, तो यहीं से चालू हो जाएगा। अम्मा ये दो मीठा दे, मीठा ले लिया दोस्तों, चलते हैं अब यहाँ से निकलते हैं। किसी कंपनी का पहली बार माल लेकर जा रहे हो लेकिन आपको एड्रेस मालूम नहीं है और लोकेशन जो है अपने आप, यानी कि लोकेशन भी कंपनी वाला ना दे, अपने से मैप पे निकाल कर जाना है और वहाँ उस दर पे पहुँच जाओ, और फिलहाल कंपनी तुमको पता नहीं है, किसी कंपनी से बगल में कोई घर है या कंपनी है पूछने जाओ, वहाँ बंदा ना मिले आपको तो कितना तकलीफ़ होता है। वैसे दोस्तों मैं इसका गाड़ी जिधर मेरी लगी है इसके 50 मीटर दूर राइट साइड में एक कंपनी था, वहाँ बुला रहा हूँ, गार्ड है ही नहीं, वो तो वो इंतज़ार करते करते एक बंदा आया 4-व्हीलर वाला, वो भाई साहब एड्रेस बताया कि बगल में कंपनी है आगे जाओ गेट, तो इधर आया हूँ दोस्तों, जमा करता दिखाता हूँ पेपर, इसी कंपनी का है कि दूसरे का है, लेकर चलते हैं। गार्ड साहब ये देख लो आपके कंपनी का है, बॉटल है कांच का, इधर का ही है,
इसके मतलब मैं करेक्ट लोकेशन पे आया। चलो ठीक है, गाड़ी अंदर लोगे गार्ड साहब? अंदर ले लूँ? पानी वानी का सुविधा है, खाना बनाने दोगे ना? ओके थैंक यू। दोस्तों गाड़ी अंदर लेता हूँ और फिर चल के खाना बनाते हैं, क्योंकि खाना खाया नहीं हूँ, डायरेक्ट आया हूँ मैं। जल्दबाजी में यही होता है दोस्तों, मैं खाना बनाने चला तो हम देखा तो चावल ही नहीं, चावल ख़त्म हो गए थे पहले, ध्यान में ही नहीं था। अब गार्ड से आके पूछा तो बोला गेट के बाहर जाओगे, तो थोड़ा दूर पे आया हूँ, देखता हूँ राशन की दुकान खुली है कि नहीं खुली है। बंद कर दिया यार, राशन की दुकान तो है लेकिन बंद कर दिया। दोस्तों राशन मिल गया, और जब दुकान पे गया दोस्तों तो दुकान बंद था, मैं खड़ा था तो एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं वहाँ से आवाज़ मारा, तीन चार आवाज़ मारा, फिर एक औरत बोली कि क्या है, तो मैं बोला कि मैं हमको राशन चाहिए। बोली कि इतने समय का कहाँ राशन मिलता है। मैं बोला कि भाई देखो मैं तो आया गाड़ी लेकर, मेरे को ऐसा था कि मेरे गाड़ी में राशन है, एक्चुअली था ही नहीं जब बनाने चला। तो बोली कि 60 रुपया लगेगा एक केजी है, एक केजी का, और एक 45 वाला है। मैं बोला कि पतला वाला दे दो, चाहे 45 वाला हो चाहे 60 वाला। बोली ठीक है। फिर दोस्तों मैं उधर खड़ा था तो ला के आंटी दे दी, भाई ये रहा। और रात को 11 बजने वाले हैं दोस्तों, और गांवटी एरिया में इतने रात को दुकान खोल के राशन किसी को देना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों राशन लेकर जा रहा था खाना बनाने के लिए, गेट से जैसे अंदर घुसा उस्ताद लोग खाना बनाए थे तो बुलाए, तो इधर आया तो बोले कि किधर जा रहे हो। मैं बोला खाना बनाने, तो बोले बैठो अकेले हो? मैं बोला हाँ अकेले हूँ। बोले कि खाना है खा लो। मैं बोला ठीक है। तो दोस्तों चल रहे हैं खाना खाने के लिए, ये उस्ताद लोग बनाए थे। चलो चलो खा लो, कोई बात नहीं यार, बैठो। एक काम करना, हाँ प्लेट लेकर आ जाना गाड़ी में, प्लेट कम है, प्लेट लेकर आ जाना। एक प्लेट लेकर आ जा, लेकिन चालू हो जाए यार। ठीक है प्लेट लेकर आता हूँ दोस्तों, फिर बैठ के खाते हैं। दोस्तों उस्ताद लोग अंडा बनाए थे, अंडा कड़ी ये रहा, और ये रहा रोटी। दोस्तों खाते हैं, गेहूं का रोटी है, महाराष्ट्र के सब भैया। भाई देखो उस्ताद उस्ताद लोग बहुत अच्छे हैं भाई साहब। मैं जा रहा था राशन लेकर, बुलाया कि बैठ के खा लो। चलो चलो खा लो, आराम से खा लो, पेट भर कर खाते हैं दोस्तों। दोस्तों खाना खा के हो गया, जो कि खाने में था अंडा कड़ी, और काफी अच्छा लगा। क्या पानी है, पानी पी लिए? इधर इधर कर मेरे तरफ आते हो भैया, पेट भर के, कोई टेंशन नहीं भाई, पेट भर गया एकदम मस्त। अब चलते हैं दोस्तों सोने के लिए, आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।